जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी की शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी, साथ ही अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं पंजाब से है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पंजाब के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि पंजाब के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में चरणजीत सिंह चन्नी के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। साथ ही आज कांग्रेस सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, जैसे कि किसान आत्महत्याओं, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो आज सदन में उठ सकता है। राज्य सरकार ने सभी विधायकों को व्हिप जारी करते हुए 12 और 14 सितंबर को हाजिर रहने की हिदायत दी है। तो आज तीसरा दिन है पंजाब के सत्र का। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद पंजाब कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सूबे के 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर इस बैठक के बाद आ सकती है। कैबिनेट की बैठक में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा में पेश होने वाले कई बिलों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो ये वो खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी नजर और सबसे पहले खबर जी पंजाब आप तक पहुंचाएगा। चलिए अब तक की खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। विवादों से घिरी आम आदमी पार्टी ने यूथ मैनिफेस्टो के बाद अब पंजाब के किसानों के लिए किसान घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोगा में पार्टी का किसान घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों से वादा किया है कि किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। फसल बर्बाद होने पर किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यूथ मैनिफेस्टो मामले में हुए विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने किसान मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान जरा खास चौकसी बरती है और किसान वोट बैंक को हथियाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। कर्जा मुक्त किसान, फसल नुकसाने जाने का मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़, किसानों के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने समेत 12 घंटे बिजली, 2020 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा अहम है। मान लो आपने 100 रुपए कर्जा ले रखा है और उसके ऊपर 100 रुपए आपने ब्याज दे दिया तो आपका कर्जा खत्म और कर्जा देने की जरूरत नहीं है, सारा कर्जा खत्म, आपको कर्जे से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। उधर विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रही हैं। पहली गल केजरीवाल जे खेत जाके दस दे कि झोना लग्या है या कोई होर फसल लगी है फिर तो जारी करे, उन्हें आई नहीं पता कि लग्या की फसल। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो में वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और पंजाब के इस बड़े वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। फिरोजपुर से सुनील नागपाल के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। एक तरफ आम आदमी पार्टी मिशन 2017 पर फोकस किए हुए है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के पूर्व नेता पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इस बार मशहूर पंजाबी सिंगर और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता बलकार सिद्धू ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। सिद्धू ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह है बलकार सिद्धू, वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है पर सियासी तौर पर पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे और फिर आपको अलविदा कहकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बलकार सिद्धू ने कहा कि उनकी तरह सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को भी पार्टी ने साजिश का शिकार बनाया। सिद्धू के मुताबिक आम आदमी पार्टी में वही सफल है जो दिल्ली वालों की हाँ में हाँ मिलाता है। सनाम तो अरोड़ा जी भट्टी साहब वो बंदे जिहड़े कि 2-2 महीने पहले आए थे, इहदा मतलब यह है भी पार्टी दे विच कोई इन्हां दा पार्टी दा अनुशासन नहीं, कोई पार्टी का इन्होंने ला नहीं बनाया, बस जेड़ा आ गया जेड़ा कोई पैसे दे गया जां जिन्हां ने कोई सलाम करती वो इन्हां दे मूहरे आ जांदे, बाकी काम करने वाले की कोई कदर नहीं। आम आदमी पार्टी के टिकट आवंटन पर सवाल उठाते हुए बलकार सिद्धू ने कहा कि आप में सिर्फ पैसे वालों को ही टिकट मिलती है और अब जिनको टिकट नहीं मिलेगी वह चौथे फ्रंट के साथ जुड़ेंगे। नहीं, चौथा फ्रंट है जी, चौथा फ्रंट का जेड़ा काम आ वह इधर उधर तो उधर इधर वो पार्टी के विचों जिहड़े औखे हुए लोग आम आदमी पार्टी चो वो निकल के आउणगे क्योंकि जिहड़े बेचारे ने सुबह तो लेके भुखे ते आए
रह के कंधा ते पोस्टर लाए। आम आदमी पार्टी लगातार निशाने पर है, कभी उसके अपने तो कभी बेगाने तो कभी उसके साथ रहे लोग कई मुद्दों पर पार्टी को घेर रहे हैं। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।